नमस्कार, मैं हूं यश खुराना और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। वक्त हो गया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें बताने का। अमित शाह का तंज, कांग्रेस के लिए ओआरओपी का मतलब है ओनली राहुल ओनली प्रियंका। ऊना जिले के इंदिरा खेल मैदान में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए ओआरओपी का मतलब है ओनली राहुल ओनली प्रियंका। शाह ने कहा कि 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी की पाक को चेतावनी, अगर कोई भारतीय सेना को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से चूकेंगे नहीं। मोदी ने एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सेना ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। आईआरसीटीसी स्कैम केस, लालू राबड़ी देवी और तेजस्वी को बड़ी राहत, दिल्ली की कोर्ट ने दी रेगुलर बेल। टेंडर से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तीनों को 1,00,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। कर्नाटक संकट और गहराया, सीएम एचडी कुमार स्वामी ने दी पद छोड़ने की धमकी। मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने सिद्धरमैया कैंप की ओर से हो रहे हमलों से आहत होकर पद छोड़ने की धमकी दी है। कांग्रेस विधायकों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अपना नेता बताए जाने पर कुमार स्वामी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, मैं उसके लिए सही शख्स नहीं हूं। कुशीनगर में भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट ने कूदकर बचाई जान। कुशीनगर में एक लड़ाकू विमान गिर गया, विमान के गिरने से उसमें आग लग गई और देखते ही देखते विमान खाक हो गया। विमान नियमित अभ्यास पर था, इस हादसे में पायलट ने पैराशूट से कूदकर जान बचाई। राफेल सौदे पर राहुल गांधी का दावा, मनोहर पर्रिकर के पास है गोपनीय जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राफेल मामले को लेकर गोवा के एक मंत्री की कथित बातचीत वाला ऑडियो टेप सामने आने के 30 दिन बाद भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में यह तय है कि यह टेप असली है और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के पास राफेल के बारे में विस्फोटक गोपनीय जानकारियां हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राम मंदिर हमारा कमिटमेंट, इसे जरूर करेंगे पूरा। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। वहीं इस मामले पर सुनवाई में हो रही देरी कई सवाल पैदा कर रही है। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को उम्मीद है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। सावरकर को भारत रत्न नहीं देने पर मोदी सरकार पर बरसी शिवसेना। शिवसेना ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक वीर सावरकर को मोदी युग में भी नजरअंदाज किया गया और भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। योगी सरकार ने किया मुजफ्फरपुर दंगों के 18 केस वापस लेने का फैसला, कहीं बीजेपी नेता है नामजद। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 18 मामले वापस लेने का फैसला किया है और जिला अधिकारियों से अदालत का रुख करने के लिए भी कहा है। बांग्लादेश के बोपुरा की 100 से अधिक झुग्गियों में लगी आग। बांग्लादेश के बोपुरा में कई झुग्गियों में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक झुग्गियां आग की चपेट में जलकर खाक हो गई है। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं यश खुराना पंजाब केसरी स्टूडियो से।